एक आदमी तो ऐसा है जिसको जिसको दौरा ही पड़ गया है, लगता है दिमागी दौरा पड़ गया है, पागलपन की हद तक चला गया, मालूम नहीं क्या बोलना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बौखलाए हुए क्या कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता को दिमागी दौरे पड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जयराम जी, अपने दिमाग का इलाज करवाइए, असंतुलन आपके दिमाग का हो गया है। दौरे तो पागलपन के आपको पड़ रहे होंगे, जो कि सुबह ही उठते हेलीकॉप्टर उठा के कहीं जाते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। दिवालिया पिट गया हुआ स्टेट का, जब हटोगे 85,000 करोड़ का कर्जा होगा, और ऊपर से कह रहे हैं कि पागलपन के दौरे विपक्ष के नेता को पड़ रहे हैं। आप नेता कोई अपनी हैसियत से नहीं बने, आप हालात के नेता हैं। आप उसमें विधायक दल के नेता नहीं थे, भाजपा विधायक दल के नेता जब भाजपा सत्ता में आई उसमें कोई और नेता था, हालातों ने आपको जो है नेता बना दिया, आप दुर्घटना में जो है नेता बने हैं और अपने आप को शहंशाह मानने लग पड़े। और टूटड़ा की बात कर रहे हो, अपना सारा वीडियो सुनना, एक नेता वो नेता फला नेता, आप हमें मर्यादा सिखाएंगे? आप नैतिकता की बातें करते हैं, और दूसरा आप कहते हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिनों से हम घबराने वाले नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कहीं आपके बुरे दिन ना आ जाए। जिस ढंग से आपने हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बेची हैं, जिस ढंग से नौकरियां जो है नीलाम हुई हैं, जिस ढंग से चोर दरवाजे से नौकरियां हुई हैं, ये मेजर स्कैंडल निकलेगा हिमाचल प्रदेश का। जो घोटाले हुए हैं ये आपके संरक्षण में हुए हैं, बाहर जो है मखौटा लगाया हुआ शराफत का। आपके बोलने से हम घबराने वाले नहीं है कि आप हमें धमकी देंगे कि बुरे दिन आएंगे। आप में जितना दम है, जो हिम्मत है, लगा लो, 2-3 महीने रह गए आपके शासन के, कोई दिल में गलतफहमी ना रह जाए। और इसलिए अपने दिमाग के संतुलन सही करने की कोशिश करो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।